वापस आते, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की तरफ से सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है, जल्दी से हम बताते हैं। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव की अपील, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से अखिलेश यादव की अपील, वीडियो साक्ष्यों पर संज्ञान लेने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है अखिलेश यादव ने। वो कह रहे हैं जहां जहां से शिकायतें मिल रही हैं वहां पर वीडियो देखकर कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष प्रक्रिया कराई जाए। अखिलेश यादव ने अपील की है, मांग की है चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव की अपील, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से अखिलेश यादव ने अपील की है, वीडियो साक्ष्यों पर संज्ञान लेने की अपील की गई है। दरअसल जगह जगह से शिकायतें मिल रही है, लोग आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, वोट नहीं डालने का आरोप लगाया जा रहा है, पीटने का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि उनके पास कागजात पूरे हैं, उसके बावजूद भी वोट डाले देने से उन्हें रोका जा रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि आप ऐसे वीडियोस का संज्ञान लीजिए, दंडात्मक कार्रवाई की जाइए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से मांग किया अखिलेश यादव ने, वीडियो साक्ष्यों पर संज्ञान लेने की अपील की गई है, दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। ये देखिए सोशल साइट एक्स पर पोस्ट भी उनकी तरफ से किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से अपील है। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, बार बार आज जहां 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारी सीटों से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं कि वहां प्रशासन रोक रहा है वोटर्स को वोट डालने से, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है। अनिला जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से जो पोस्ट किया गया है सोशल साइट एक्स पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करें, दंडात्मक कार्रवाई करें और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करें, और जो भी पुलिस अधिकारी वोटर को रोक रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, ये मांग की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। और अब